गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक। लेट्स वी स्टार्ट दिस टॉपिक। You know about the when a zinc metal rod dipped in copper nitrate या copper sulfate solution, when the blue color of copper sulfate is disappear। ठीक है, तो आपने ये बात पढ़ी हुई कि जब अपन क्या करते हैं कि कोई भी अपने जिंक मेटल है, जो जिंक मेटल की अपने कोई वायर या कोई रोड, ठीक है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जिंक डस्ट, जिंक पाउडर, ठीक है, इसको अगर क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से भरे हुए बीकर में, ठीक है ना, अगर अपन इसको क्या करते हैं, डिप करते हैं या जिंक डस्ट को इसमें मिक्स करते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अगर उसका इसमें मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका कलर डिसअपियर हो जाता है, यानी कि ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। तो व्हाट इज द रीजन हेयर कि व्हेन वी डिप्ड द जिंक मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, फॉर ए वन आवर वी नोटिस दैट द स्ट्रिप बिकम कोटेड विद रेडिश मेटेलिक कॉपर एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयंस अमंग द प्रोडक्ट कैन इजीली इजीली ठीक है बी जज्ड व्हेन द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू कॉपर आयन डिसअपियर इफ हाइड्रोजन सल्फाइड हैज द पास थ्रो द कलरलेस सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक आयन अपियरेंस ऑफ वाइट जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड कैन बी सीन ऑन मेकिंग द सोल्यूशन एल्केलाइन विद अमोनिया ठीक है तो इट मीन यहाँ पर क्या होगा कि जब अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें जैसे अपने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको कि ये यहाँ पर क्या है बीकर है ठीक है इस बीकर में अपन क्या फिल करते हैं कॉपर सल्फेट या अपन क्या ले सकते हैं कॉपर नाइट्रेट अपनी बुक में एग्जांपल जो दिया हुआ है वो कॉपर नाइट्रेट से दिया हुआ है ठीक है तो कॉपर नाइट्रेट का इसमें सॉल्यूशन फिल करते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो एक्वा सॉल्यूशन है ये किस कलर का है ब्लू कलर का है ठीक है अब अपन क्या है कि एक जिंक की रोड लेते हैं ये क्या है जेड एन रोड ठीक है तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो ब्लू कलर है ये क्या है कि आफ्टर वन आवर क्या होगा कि इसका कलर क्या हो जाएगा डिसअपीयर यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा कलरलेस और जो जिंक मेटल है इस पर क्या है कि एक रेडिश कलर आ जाएगा ठीक है और यहाँ ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा कलरलेस ठीक है तो इसका रीजन क्या होता है कि भाई यहाँ पर क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है मेन ठीक है तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं कि क्या होता है कि भाई रिएक्शन क्या होगी जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट ठीक है तो यहाँ पर ये क्या है इसका एक्वस सॉल्यूशन है
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जिंक और कॉपर के बिटवीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस रीजन से क्या है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होगा कि जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई इसमें अगर अपन बात करें तो ये कॉपर जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जिंक किस में है, 0 में है। और इधर अगर अपन प्रोडक्ट में बात करें तो यहाँ पर जिंक क्या हो गया +2 स्टेट में और कॉपर किस में आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस पर किस तरह से हो रहा है कि जो जिंक है तो जिंक तो क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले का क्या होता है, यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो से आप ध्यान रखें इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि कॉपर ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को आप शॉर्टकट में आप कैसे बता सकते हैं, +Cu+2, तो यहाँ पर क्या है Zn+2 और +Cu, ठीक है। तो अब आपको ये जो लास्ट वीडियो से आपको रिएक्शन बता रहे थे उस तरह की रिएक्शन हो गई आपके पास ये, कि यहाँ पर क्या है कि भाई जिंक ने क्या किए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस कंडीशन में इसका तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पर इट मीन क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि वन मेटल से अदर मेटल्स पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर ये इनका कलर फेड हो जाता है, यानी कि कलर डिसअपियर हो जाता है, या क्या कहें अपने सोल्यूशन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन यहां पर अब इस रिएक्शन के बारे में अगर अपन बताएं तो जिंक हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक +2 एंड देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन कॉपर पर बात करें तो यहां पर कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर हैज गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर आयन, सॉरी, हैज गेन टू इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu एंड देयरफॉर कॉपर इज रिड्यूज, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये टू रिएक्शन यहाँ पर ये होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये, इसके अलावा अगर अपना अदर एग्जांपल यहाँ पर लें कि अगर अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा प्लस Ag, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अगर रिएक्शन बताएं कि अपन ये कहें कि आयनिक रिएक्शन क्या होगी, तो Cu प्लस Ag प्लस, यहाँ पर Ag किस में है, +1 स्टेट में है, और क्या फॉर्म होगा, Cu क्या होल्ड भाई, सॉरी, ठीक है। तो Cu +2 और +Ag, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन गेन,
ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या हो रही है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरह से आप अदर एग्जांपल ले सकते हैं, कोबाल्ट और निकेल का ले सकते हैं, ठीक है। कोबाल्ट और निकेल का भी यहां पर एग्जांपल आ सकता है, ठीक है, कि कोबाल्ट और निकेल को अगर इस तरह की कंडीशन में रखें कि अगर क्या करते हैं कि निकेल का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें क्या है कि कोबाल्ट मेटल मिक्स की जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोबाल्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन और निकेल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको ये भी है, मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, कोबाल्ट इसका सिंबल क्या है, सी ओ स्मॉल लेटर में और सी कैपिटल लेटर में, प्लस Ni प्लस टू, ठीक है। ये निकेल ये किस में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि सॉल्ट रूप में है इसमें, और यहाँ पर क्या होगा CO प्लस टू प्लस Ni। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि लूज कर रहा है, तो उसके बेस पर अपने में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, अब अपन सपोज करते हैं कि क्या करते हैं कि जिंक सल्फेट का, अपने जिंक नाइट्रेट या जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, यानी कि Zn प्लस टू है, ठीक है। इसमें क्या है कि अपन कॉपर वायर रखते हैं, तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, तो यहां पर क्या है, नो रिएक्शन। वाई रीजन क्या है, क्योंकि जो जिंक मेटल है वो कॉपर से क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है कि लेस रिएक्टिव मेटल से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि जो जिंक सल्फेट का या जिंक नाइट्रेट का जो कलरलेस सॉल्यूशन है उस कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये बातें होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो बात आती है कि ये क्या होती है कि मेटल एक्टिविटी सीरीज, एक डेफिनेशन है मेटल एक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज, यानी कि इसमें क्या है कि जो मेटल्स होती है उन मेटल्स को क्या है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर क्या है कि उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है। तो वो क्या होती है, मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो ये अब इसमें क्या है कि आगे क्या बात होगी कि भाई अपने इस सीरीज में क्या होता है कि जैसे अपना मेटल की बात करें तो जिंक मोर रिएक्टिव गेट ग्रेटर या ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन Ag, ठीक है। तो इस इक्वल में ही क्या होगी, क्या होगी, रिएक्शन होगी। अगर क्या है कि कॉपर या सिल्वर के सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि जिंक अगर उसमें अपने रोड डालें या अपने उसमें जिंक डस्ट डालें तो उनके क्या है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर क्या है कि इन दोनों के सॉल्यूशन में अगर Ag का अपने वायर उसमें रखें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इस बेस पर, यानी कि इस बेस पर डिपेंड करता है कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है तो वो किस तरह से, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या है कि वहां से क्या करेगी कि लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, और क्या होगी यहां पर, रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब क्या है कि इसके बेस पर अपने एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है कि भाई क्या होता है कि द कंपिटेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस मेटल हेल्प अस टू डिजाइन ए क्लास ऑफ सेल नेम्ड एज गैल्विन सेल इन विच द केमिकल रिएक्शन बिकम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी शुड स्टडी मोर अबाउट दिस सेल इन क्लास 12, ठीक है ना। तो इस सेल पर अपन ये जो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट आएगा, टॉपिक आएगा, तो उसमें अपन ये गैल्वेनिक सेल पर अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि इन मेटल्स की हेल्प से क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं, एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो अपने लैब में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस पर बात थी। इसके बाद क्या है कि अब अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो मेटल्स या नॉन मेटल्स होती है, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कि द नंबर ऑफ इफेक्टिव चार्ज ऑन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है, द चार्ज। इसके अलावा अपने क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, ठीक है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम्स, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे या अपन इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।